अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं मोहम्मद सलीम आपके साथ। तो ओलीफोन T1 हो गया, ओलीफोन S8 प्रो हो गया, तो अब रह गया लास्ट मॉडल ओलीफोन गिमिनी। यार मुश्किल नाम रखा है, कमिनी रख देता अच्छा था। तो ओलीफोन गिमिनी की करते हैं हम अनबॉक्सिंग। यहाँ पर लिखा है ओलीफोन, सामने लिखा है गिमिनी, और यहाँ पर ड्यूल कैमरा डिज़ाइन दिया है, ड्यूल कैमरा, ड्यूल फ्लैश लाइट ओलीफोन। यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ना मक्खी, ना मच्छर, ना इंग्लिश, ना विंग्लिश। तो खोलेंगे ओलीफोन, तूने मारी एंट्रियां तो दिल में बजी घंटियां, टन टन टन। तो इसको हम रखते हैं साइड में, देखते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं कि जब तक ये स्टार्ट होता रहे। ओके, ऑलरेडी स्टार्ट था। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स दिए गए हैं, यहाँ पर ड्यूल कैमरा, 3 GB की रैम, 32 GB का रोम, F4G LTE ड्यूल सिम, 5.5 इंच की फुल HD शार्प डिस्प्ले। यहाँ पर ये क्या है, सेंसर है कोई, जायरो सेंसर, और यहाँ पर CNC मेटल बॉडी, और यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंसर, एंड्रॉयड 7। और यहाँ पर देख लेते हैं हम डिब्बे में हमें क्या देखने को मिलता है। काफ़ी खाली सा गत्था है, यहाँ पर एक पता नहीं क्यों खाली कवर दे देते हैं बार बार। और यहाँ पर एक ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर है, ये एक प्रोटेक्टर है, ग्लास स्क्रीन प्रोटेक्टर देखने को मिलता है। यहाँ पर सिलिकॉन केस दिया गया है, सिलिकॉन केस निकाल के मैं नहीं दिखाऊंगा, एक सिलिकॉन का नॉर्मल सा केस है। इंग्लिश में पूरी क्विक स्टार्ट गाइड, मैनुअल, यूजर मैनुअल। और यहाँ पर चार्जिंग केबल दी गई है, चार्जिंग माइक्रोफोन वाली केबल है, कैमरा फोकस। और यहाँ पर बिल्कुल घटिया से घटिया क्वालिटी का मुझे लग रहा है एक अडेप्टर, बोलना पड़ता है घटिया क्वालिटी का। जी हाँ, कोई भी फास्ट नहीं है यहाँ पर। कितना पकड़ ले, पकड़ ले, किधर गया, हाँ 5 वॉट 1.5 एम्पीयर का बिल्कुल स्लो चार्जर। और ये एक अंगूठा फंसाने के लिए या उंगली फंसाने के लिए भी देते हैं कि मोबाइल में चिपकाओ और यहाँ से फंसाओ। तो सब चीज़ों को कर दो साइड में। अब इसको हम स्टार्ट तो था, तो फ्रंट का स्टिकर भी हटा देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर हमें मिलता है पावर की, वॉल्यूम अप एंड डाउन, ऊपर है हेडफोन जैक, और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। नीचे की तरफ यहाँ पर चार्जिंग स्पॉट और स्पीकर और माइक्रोफोन छोटा सा, और यहाँ पर एक नोटिफिकेशन पैनल की भी दिया है। और अच्छा, ये कैमरा है, कहाँ चला गया, तो ये कैमरा है या इस बटन को क्लिक करते ही आप कैमरा में पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर सिम ट्रे भी दी गई है, सिम ट्रे में आप, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 2 सिम ट्रे हैं, एक में आप एक सिम लगाओगे, दूसरे में आप मैक्रो SD और सिम, या तो आप, हाँ यहाँ पर ये लिखा है, एक में तो एक सिम लगेगी, दूसरे में या SD लगाओ या मैक्रो लगाओ। ठीक है, अब हम चलो भाई आगे करते हैं, चलो भाई आगे, गेट स्टार्टेड, चलो भाई आगे, स्किप सेटअप एज अ न्यू, डोंट यूज नेटवर्क, कंटिन्यू, यहाँ पर नीचे चलो, नेक्स्ट करो, पुश कर दूँ क्या, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका। चलो देखते रहो, देखते रहो, टाइम बचा के क्या करना है, देख लोगे मेरी वीडियो तो क्या हो जाएगा, टाइम बचा के क्या करोगे। चलो चलते रहो भाई आगे, और सेटअप लेटर। और ये कहाँ गया, फिंगरप्रिंट कहाँ गया, और क्या तो डिस्प्ले आई है बाप, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, ये हुआ क्या, कहाँ गया फिंगरप्रिंट, तो एकदम से फटाक से। और यहाँ पर देखिए आप, ऊपर से खींचने के लिए आप यहीं से भी निकाल सकते हैं। वॉलपेपर तो धमाकेदार वॉलपेपर दिया है, तो हम फिंगरप्रिंट बाद में देखते हैं। और ये है इसका कैमरा, कैमरा ठीक ठाक सा कैमरा है, कैमरा क्या बोलूँ, फर्स्ट लुक में क्या बोलूँ, फर्स्ट लुक में क्या बोलूँ। अगर इसकी प्राइस देखी जाए तो ये इसकी प्राइस कितनी है, इसकी प्राइस 7,500 इंडियन रुपीज़ है, 7,500 इंडियन रुपीज़ है। मीडिया टेक का कोई प्रोसेसर होगा, यहाँ पर लिखा नहीं है कितना है। और अगर मैं फ्रंट में आ जाऊँ तो यहाँ से दबाते हैं और यहाँ पर होगा मैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, मैं मोहम्मद सलीम आपके साथ। तो कैमरा मुझे ठीक ठाक सा लग रहा है, देखिए थोड़ा सा डल है लग रहा होगा, यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो थोड़ा सा, अगर उसकी प्राइस देखी जाए प्राइस के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डल है। लेकिन जो ओलीफोन T1 था, जो हाई बजट वाला है ओलीफोन T1, उसका कैमरा बहुत अच्छा था। अगर ये गमिनी हो या S8 प्रो हो तो उसका एवरेज से कैमरे हैं, कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है। अब सेटिंग में चलते हैं, कहाँ है इसकी सेटिंग, यहाँ पर है इसकी सेटिंग। और वीडियो बोरिंग होगी तो उसके लिए मैं चाहता हूँ क्षमा को, मैं थक गया हूँ, पहले T1 की अनबॉक्सिंग की, फिर S8 की अनबॉक्सिंग की, और अब गमिनी की, तो मैं थक गया हूँ, थोड़ा सुस्ती छाई हुई है मेरे अंदर। एंड्रॉयड 7
और यहाँ पर अगर देख ले रैम कितना जीबी अवेलेबल मिलती है आउट ऑफ बॉक्स मेमोरी में, तो आउट ऑफ बॉक्स ऑलमोस्ट 2 GB रैम अवेलेबल मिलती है 3 GB में से। और अगर हम यहाँ पर स्टोरेज कहाँ है, कैमरा फोकस पकड़ ले इधर इधर, यहाँ पर 25 GB आउट ऑफ बॉक्स हमें 25 GB अवेलेबल मिलती है। फिंगरप्रिंट मैं आपको कैसे दिखाऊँ, आप यहाँ से मैं थोड़ा पुश कर देता हूँ और फिंगरप्रिंट ऐड करते ही वीडियो को स्टार्ट कर दूंगा। तो फिंगरप्रिंट यहाँ पर हम रखते हैं, पहले पैटर्न लगाते हैं और कंफर्म कंटिन्यू करते हैं, फिर पैटर्न लगा लेते हैं। ये गलत हो गया, सॉरी, ये और कंफर्म, आप बोलेगा ये रखो, डन इफ यू हैव आउटपुट यस। अब ये क्या था मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा ये फ्रंट है, 1 2 3 जो फिंगरप्रिंट है वो हमें फ्रंट में देखने को मिलता है, 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12, मैंने देखा मिस बहुत जल्दी कर लेता है। डन हो गया भाई, अब चलते हम देखते हैं कि इसकी हमें कैसे देखने को लगती है, कैसे देखने को लगे कि कैसे कितना फास्ट है। तो ये किया बंद और पहले पहले ये बोलेगा लगाओ पहले। अच्छा ठीक है, आपको मतलब ऐसे काम नहीं करेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, ये प्रेस करना पड़ेगा। जो ऑलीफोन का T1 है वहां पर हमें प्रेस करने को नहीं मिलता है। अब ठीक बंद करते हैं और आप रखते हैं, नहीं आपको एक बार बटन को प्रेस करना पड़ेगा। एवरेज सा है फिंगरप्रिंट, इतना कोई अच्छा नहीं है, 7,500 की कीमत में अगर देखेंगे तो ठीक है। यहाँ पर हमें क्विक स्टार्ट गाइड, यहाँ पर कोई जो एंड वो ऐप ड्रॉ नहीं मिलती हमें, यहाँ पर कोई ऐप ड्रॉ नहीं है, देख सकते हैं आप जैसे एमआई के जैसे सब स्क्रीन में ही है, ऐप ड्रॉ यहाँ पर नहीं है, ठीक है भाई। तो यही है इसका फर्स्ट लुक, 7,500 का है ये ऑलीफोन गिमिनी, थंबनेल बनाते हैं। यहाँ पर आप इस बटन को प्रेस करते ही पहुंच जाएंगे कैमरा पे, कैमरा ओके है, बस यहाँ पर कुछ मोड दिए गए हैं, वीडियो मोड, ब्यूटी मोड, पैनोरामा मोड वगैरह वगैरह। और बनाते हैं हम थंबनेल, थंबनेल कैसे बनाएं, ऐसे ऑलीफोन गिमिनी, ऑलीफोन गिमिनी एक यूं थंबनेल हो गया, और एक देखते हैं इसमें से जो भी अच्छा लगेगा वो थंबनेल बनाएंगे, ऑलीफोन गिमिनी, जो भी थंबनेल अच्छा लगेगा वो हम रख लेंगे। ये काला ये यहाँ पर क्यों खड़ा हो गया, मेरे थंबनेल को खराब कर रहा है। ओके ऑलीफोन गिमिनी ये है थंबनेल। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शब खैर। तो बस 3 अनबॉक्सिंग कर लिए, अब डे बाय डे में डालते रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, यहाँ पर पड़ा है कुछ प्रोटेक्टर्स और यहाँ पर पड़ा है एमआई का एमआई बैंड 2, कुछ हेडफोन चेक, और बस इस वीडियो में इतना ही। और यहाँ पर कुछ एसेसरीज है और एसेसरीज के बारे में आप कभी फिर कभी दिखाऊंगा। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, शब बखैर, बंद कर दे।